हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आदिवासी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का प्रयास, मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने किया विरोध, मिशनरीज के लोगों पर लगाया धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप, रिको पुलिस की ओर से सभी को लाया गया थाने, हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष की ओर से दी गई रिपोर्ट, आबू रोड अंबाजी मार्ग पर डेरी गांव की निचला माला में मिशनरीज के लोगों द्वारा आदिवासियों का धर्म परिवर्तन के प्रयास का मामला मंगलवार को सामने आया, मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने विरोध किया, पूरे मामले की रिको पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची रिको पुलिस एक दर्जन से अधिक आदिवासी महिलाओं व मिशनरीज के लोगों को लेकर थाने पहुंची। देर शाम तक थाने के बाहर हिंदू संगठन के पदाधिकारी, भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता डटे रहे, साथ ही हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष की ओर से लिखित रिपोर्ट दी गई, धर्मांतरण की गतिविधि में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई। सुदूर दुर्गम आदिवासी क्षेत्र में निकटवर्ती अंबाजी से मिशनरीज के कुछ लोग इको कार से डेरी गांव की निचला माला पहुंचे, धार्मिक क्रियाकलाप करवाने शुरू किए, मिशनरीज के लोगों की ओर से किए जा रहे कार्य की जानकारी हिंदू संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को मिली, इस पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, मिशनरी के लोगों पर धर्मांतरण करवाने का आरोप लगाया, दोनों पक्षों में विवाद हो गया, पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, मामले की गंभीरता के चलते रिको पुलिस मौके पर पहुंची, आदिवासी महिलाओं व मिशनरी के लोगों को रिको थाने लाया गया, सूचना मिलने पर नगर पालिका चेयरमैन मगनदान चारण, उपाध्यक्ष रवि शर्मा, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल, आकाश माली, गणेश आचार्य, हिंदू जागरण मंच के गोविंद मालवीय, कौशिक लोहार, वनवासी कल्याण परिषद के नवल राम आदि थाने पहुंचे, रिको थाना अधिकारी देवीदान भारत से कार्यवाही की मांग की गई। दी रिपोर्ट हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष सचिदानंद झा की ओर से दी गई रिपोर्ट के अनुसार डेरी गांव में करीब दोपहर 2 बजे अंबाजी गुजरात से आए विनोद भाई पी परमार व जान किक्षु व महिलाओं समेत कई करीब एक दर्जन लोग डेरी पहुंचे, आदिवासी लोगों को धर्म के नाम पर प्रलोभन लालच दिया, अंधविश्वास जगाने का प्रयास कर धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो सभी गाली गलौज झगड़ा करने पर उतारू हो गए, मिशनरी के लोग आम लोगों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे आम जन में भारी आक्रोश है, शांति भंग होने का खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट में आरोपी विनोद भाई, जान किक्षु व अन्य लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की गई। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए आबू रोड से रिको थाना अधिकारी देवीदान बारहट, इन्होंने ये कहा, दिन में कुछ सूचना मिली थी कि डेरी गांव में कुछ बाहरी लोग आए हैं जो लोगों को, आदिवासी लोगों को धर्म परिवर्तन के बारे में गुमराह कर रहे हैं, करने के लिए उनको प्रलोभन दे रहे हैं या धमका रहे हैं, ऐसी कुछ सूचना थी। इस पर हमारी टीम गई थी, वहाँ गई तो वहाँ अंबाजी गुजरात के और कुछ स्थानीय लोग बैठे थे और आपस में कोई चर्चा चल रही थी, उन लोगों से पूछताछ की, भाई किसी ने कोई आपको धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा है, प्रलोभन दे रहा है, तो प्रथम दृष्टि हम लोगों ने ऐसी किसी बात से इनकार किया है, फिर भी जो अम्बाजी और बाहर से आए हुए लोग थे उनको थाने पर लाए हैं और उनसे और विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। इस संबंध में हिंदू जागरण मंच की तरफ से एक फॉर्मल रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है, इस संबंध में भी हम जांच करें। सर कुछ डिटेन भी किया क्या, किसी को लाए भी? डिटेन नहीं अभी तक, तो वो उनको लाए हैं, उनको तस्दीक करके जैसा भी देखते हैं। कितने लोग हैं करीब? चार तो जेंट्स हैं, दो तीन लेडीज़ हैं। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।